भगवान ने पूरी दुनिया को ऋषि और कृषि की संस्कृति दी, वो भी अपना सर्टिफिकेशन विदेशों से करवाए, ये बात समझ में नहीं आती। तो सर्टिफिकेशन के तौर तरीके भी हमें बदलने पड़ेंगे भाई। या तो पूरा गांव ऑर्गेनिक खेती करे, इसके बारे में पहले तो मैं थोड़ा सा इस बात से डरता था कि भाई हम कोई काम शुरू कर दे और उसमें लोग कोई मिलावट कर दे, भाई वो काम मंजूर नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है। इसका एक मॉडल तो है सिक्किम वाला, जैसे सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी, उन्होंने कानून बना दिया कि सिक्किम में किसी भी दुकान के ऊपर यूरिया डीएपी कोई भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मिलेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। सिक्किम में बॉर्डर से क्रॉस ही नहीं कर सकता यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कोई भी किसी भी तरह का, तो वह 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है भाई। जब एक मुख्यमंत्री अपने पूरे स्टेट को ऑर्गेनिक बना सकता है तो कुछ लोग हिम्मत करके यदि पूरे गांव को ऑर्गेनिक बनाते हैं तो उनकी पूरी फसल खरीदने की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप करो, गांव को करना पड़ेगा भाई। यदि गांव को आपने कर दिया तो गांव में एक बात प्रामाणिक हो जाती है कि भाई इस गांव में यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर नहीं जाता है और उससे फायदा भी है भाई। अब एक किसान तो ऑर्गेनिक कर रहा है, पड़ोस के खेत वाला ऑर्गेनिक नहीं कर रहा, उसका जो भी डाल रहा है भाई, अब हवा तो इसमें परमिट लेकर थोड़ी आती है दूसरे के खेत में, तो उस खेत की हवा दूसरे खेत में आती है तो वो जो छिड़कता है वो दूसरे खेत में भी जाता है। वो जो खेत में डालता है तो बरसात में पानी भरता है, तो एक खेत का धोरा टूट के दूसरे खेत में भी पानी जाता है। तो थोड़ा सा इसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। फिर गांव में ना लालच आ जाता है देख करके, अरे चलो थोड़ा सा तो डाल ही दे, दिन में कोई रखवाली कौन करेगा, और जिसने डालना हो तो रात को उठ के डाल दे। इतने बावड़े बावड़े लोग हैं, लौकी की जड़ में गाय भैंस को जो दूध निकालने वाले इंजेक्शन लगाया करते तो वो लौकी की जड़ में ठोकते मेरे बेटे, लौकी की जड़ में इंजेक्शन ला दिया। मैंने कहा इससे क्या हो रहा है, बोले इससे लौकी बड़ी हो जावे, रात को सू सू करके बढ़े। एक खेत में हम गए तो रात को सुसाट मच रहा खेत में सुसाट मच रहा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो बोले जी बता दे। मैंने कहा हम बता दो। बोले हमने लौकी की जड़ में ना इंजेक्शन ला के देखा। मैंने कहा क्या कर रहे, बोले रिसर्च कर रहे। बोले इससे जब इतना बड़ा जानवर गाय भैंस दूध दे दे तो लौकी भी कुछ ना कुछ देगी। ये ऐसे ऐसे काम भी हरियाणा वाले ही करें, ये रिसर्च यही हुई है। लौकी की जड़ में ठोक दिया इंजेक्शन और वो सुसाइड कैसे मच रहा, वो लौकी रात नहीं हुई बड़ी, उसके ऊपर जो भी पत्ते पुत्ते थे वो यूं हो रहे और वो लौकी बड़ी हो रही, रात रात नहीं बड़ी हो जा। लौकी हो कद्दू हो ये ठीक नहीं है। तो गांव में ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है सर्टिफिकेशन वाला जो काम है ये बहुत इजी हो जाएगा। क्या करो, या तो भाई पूरा गांव संकल्प ले लो, कुछ गांव शुरू कर दे, 25-50-100 गांव भाई। इस देश के करोड़ों लोगों पर को हम पर भरोसा है और हम आपके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। ये भरोसा यदि नहीं टूटे तो हम इस पूरे हिंदुस्तान को एक नया स्वरूप दे सकते हैं, नया स्वरूप दे सकते हैं खाद्य अन्नों के बारे में, शाक सब्जियों के बारे में। थोड़ा भरोसा तो पैदा करना पड़ेगा। पूरा गांव तैयार हो जाए, पूरा गांव नहीं तैयार हो तो आधा हो जाए, नहीं तो एक समूह तो हो जाए, कम से कम जहां 100-200 एकड़ के जो आस पड़ोस के लोग हैं कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। और देखो अभी तक कितने प्रयोग हो चुके हैं, अलग अलग लोगों ने कर लिए। शुरू में कोई जो प्रयोग करता है तो उसको जोखिम उठाना पड़ता है, उसको पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो अब सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस, सारी टेक्नोलॉजी एकदम अपग्रेड हो गई है इस बारे में। अब पहले साल भी घाटा नहीं होगा, जो पहले 2-3 साल का घाटा बोलते थे। और भाई धरती तो 200 करोड़ वर्षों से, भाई आगे भी 200 करोड़ वर्ष बाकी है इसका समय। इस सृष्टि के आयु 400 करोड़ वर्ष है, अभी आधी बीती है भाई, इसको और क्यों जहरीला कर रहे हो भाई। एक दो वर्ष मान लीजिए थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी पड़ गया, यादव साहब ने कुल कैलकुलेट करके बताया कि 5-10% का फर्क पड़ा, और वो भी इसलिए पड़ा है यादव साहब, वो फर्क भी 5-10% का इसलिए आया कि सब लोग अपग्रेड नहीं है उनका नॉलेज और प्रैक्टिस। नॉलेज एंड प्रैक्टिस माने जानकारी और उसका प्रयोगात्मक अनुभव, एक्सपीरियंस। ये नॉलेज और प्रैक्टिस हमारी अपग्रेड होगी तो नुकसान होने वाली कोई बात ही नहीं है। और लोग तो अब अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं। आप 25 से लेकर के 50% तक एक्स्ट्रा कीमत, किसी में तो 100% एक्स्ट्रा कीमत लेकर के आप दे सकते हो। अभी दिल्ली में और मुंबई में लोग धोखा बहुत कर रहे हैं,
यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं, यहाँ ऑर्गेनिक दालें मिलती हैं, यहाँ ऑर्गेनिक अनाज मिलता है, लोग धोखा कर रहे हैं। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, कोई ब्रांडिंग है नहीं, उनका कोई टेस्ट भी कर लेगा तो क्यों उखाड़ेगा, नकली एड्रेस है सबके, लोग धोखा कर रहे हैं इस बारे में। अभी हिंदुस्तान में ये बड़ी गड़बड़ी है, अभी इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, यदि हम किसी काम में आते हैं तो भाई उसमें फिर एक आदमी भी कोई गड़बड़ कर दे तो फिर देखो आदमी की इज्जत, एक कहते ना एक बार भी इज्जत पर बट्टा लग जाए ना फिर वो दोबारा से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, कम्पनसेशन नहीं है इसका कोई। तो कुछ लोग यदि इस तरह की हिम्मत करने के लिए तैयार हैं तो मैंने कहा चाहे 100 गांव कर लो चाहे 1000 गांव कर लो, जो लोग ये ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उनको हम खुला आमंत्रण देते हैं, उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, करो भाई। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस काम को करने के लिए कुछ मूलभूत बातें हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि सारी बातें इस संदर्भ में काफी हुई है। आज विचार तो ये था कि जो है इसमें आपके प्रश्न भी लिए जाएं। हमारी यहाँ बहनें भी अच्छी खेती कर रही है, एक बहन से तो बुलाया गया था, काफी किसान बहनें भी यहाँ पर आके बैठी हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो उस संदर्भ में भी हम थोड़ा सा आपसे सीधा संवाद करना चाहेंगे। एक बार हमारी बहनें जो खेती कर रही हैं उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये बहुत बड़ी बात है कि निर्भीक होकर के हौसले के साथ हिम्मत उत्साह के साथ खेती करना। और आपने तो यह स्लोगन ही लिखा है कृषि रेवा लक्ष्मी, कृषि ही जो है वो किसान के लिए लक्ष्मी है, आपने किसान के फोटो के ऊपर ये बनाया हुआ है। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम जी, मैं राजेश फरीदाबाद से जी। ये खरपतवार के लिए क्या किया जाए, जैविक खेती करता हूँ, खरपतवार नाशक के लिए अगर जैविक में कोई उपाय है तो अवश्य बताए। खरपतवार ठीक जी, अगला तो विदेशी केंचुए की जो बात बताई, देशी केंचुए की खाद में वो हानिकारक तत्व तो नहीं है, विदेशी केंचुए के शरीर में वो संग्रहित करता है, ऐसी इसकी जी ने मैंने जो बताया आपको उसमें दोनों आपका यदि उसमें जो रो मेटेरियल है यदि वो अच्छा है तो उसमें आपको मर्करी लेड वाली प्रॉब्लम नहीं आती, हमने देखा है। वो केंचुआ भी उसी जमीन में जाएगा, उसमें जो अंश है उसके शरीर में वो संग्रहित करता है, वो तो तब मौजूद है उसके शरीर में होगा, लेकिन हमारे गोबर जो वर्मी कंपोस्ट में नहीं आया, हमने प्रयोग करके बताया। और तो स्वामी जी आपकी सारी बातें समझ में आ गई, खाद वगैरह भी हम डाल सकते हैं, जैविक खेती भी कर सकते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जो बीमारियां चाहे मिर्च लगाओ भिंडी लगाओ नरमा लगाओ कोई सी भी फसल हो, ये बीमारियां मतलब बहुत ज्यादा प्रकोप होता जा रहा है, इसका कोई ऐसा इलाज निकाला जाए जिससे किसान बच सकता है जी? बाकी जैविक खेती तो की जा सकती है लेकिन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिले? ठीक बात, नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं एमएससी स्टूडेंट हूँ संजय कुमार, कि जो आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, आज हमारे देश में या दुनिया में जो जनसंख्या है उसका इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है, और दूसरे हमारी जो क्रॉप है चाहे वो किसी डिजास्टर से या किसी तरह से उनमें भी नुकसान हो रहा है, तो क्या ऐसा हमारे पास है कि ऑर्गेनिक खेती पर हम टोटली डिपेंड हो सकें? जैसे हम एमएससी स्टूडेंट हूँ मैं, हम ट्रांसजेनिक की बात कर रहे हैं, हम ब्रीडिंग में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारी बहुत सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ हमारी ऑर्गेनिक खेती है, तो क्या ऐसा हमारे पास है भी हम टोटली ऑर्गेनिक खेती पर डिपेंड हो सके, या हमारा प्रोडक्शन ऐसा हो कि हम ऑर्गेनिक खेती पर डिपेंड हो सके? सर प्लीज देखो अभी बेटा दो बातें एक साथ बोल देता हूँ, फिर बाकी तो प्रश्न क्योंकि मिलते जुलते हैं उनका एक साथ। आपने जो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कही है, हाँ सर, क्या हम टोटली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जा सकते? तो बेटा इसका सीधा उत्तर यह है कि 100 साल पहले इस हिंदुस्तान में एक बूंद कोई यूरिया डीएपी की नहीं डालता था, ये धरती को बने 200 करोड़ साल हो गए, 1,96,08,00,000 116 साल एग्जैक्ट हो गए, तो 200 करोड़ वर्षों से इस धरती पर ये ऑर्गेनिक खेती होती थी, और ये बीच का ये जो 100 साल का जो समय आया अंग्रेजों के बाद का उस समय गड़बड़ी हुई। हमारे यहाँ पर साक्षरता रेट की अभी बात कर रहे हैं कि साक्षरता कम हो गई, हमारे यहाँ 5000 साल पहले तक 100% साक्षरता नहीं विद्वत्ता थी,
अश्वपति का एक श्लोक है उपनिषद का, न मे सेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपह न अनाहुताग्निर् न विद्वान न स्वरी स्वरणी कुतः, माने एक भी अविद्वान नहीं था। साक्षरता की तो बात छोड़ो, हमारे यहां पर 100 साल पहले तक एक एकड़ जमीन में 50 क्विंटल से अधिक धान, 50 क्विंटल से अधिक गेहूं आदि अभी इसी यही पैदा होता था, और अभी भी मैंने आपको आंकड़े बताए जो हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो दरअसल ये लैक ऑफ नॉलेज एंड एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी वो हमने छोड़ दी। तो एक तो जानकारी हमारी कम हो गई और दूसरा हमारी प्रैक्टिस ऐसी खराब हो गई कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी किसी देश में, किसी किसी गांव में सभी लोग शराब पीने वाले हों या तंबाकू खाने वाले हों तो आदमी को लगता है क्या इसके बिना रहा जा सकता है। तो ये ऐसी हालत हमारी हो गई है। तो हम 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके अपने देश में हम इससे आज जो कृषि क्रांति हुई है इससे भी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, और अब अनुकूल वातावरण है, हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो 100% के ऊपर तो हम बाद में आ पाएंगे, एक शुरुआत तो करें, इसमें कोई घाटे का काम नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है बेटा। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते बहन। मैं PhD स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक है स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग मेडिसिन प्लांट इन रूरल हरियाणा। जी, तो सर जैसे मैंने सभी किसानों से बात करी है अब तक, ये प्रॉब्लम सबसे पहले आई कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। आज की तारीख में अगर कोई किसान खेती करना चाहता है तो क्या पहले वो मार्केट देखे? मार्केट नहीं है तो क्या वो खेती नहीं कर पाएगा? देखो ये बात तो सच है बेटा, आप PhD कर रहे हो तो आप जो आर्थिक पक्ष है किसी भी पहलू का उसको अवॉइड करके तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मार्केट कैसे ढूंढे, जैसे हमारे सिरोही साहब ने तो इंटरनेट पर ढूंढ लिया, इनको पता नहीं था इंटरनेट क्या है, तो वो बला बता दी खोकर साहब ने। तो अभी मैं यहां प्रदर्शनी में गया, पहले तो मैं विश्वविद्यालय का जो प्रदर्शनी का पूरा जो कक्ष था और उसमें भी हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बारे में जो प्रदर्शनी थी और जो इनके जो वैज्ञानिक शोध थे, एक तो प्रदर्शनी इनकी बहुत अच्छी थी, उसके लिए एक बार सबके ओर से इनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और जो नहीं गए जरूर देख के जाइए, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। उसमें यहां पर भी गेहूं से लेकर के अगला फसलों से लेकर के शतावर, मुलेठी, इसबगोल और भी कुछ औषधियों के ऊपर कार्य किया हुआ है, और बाजरे के ऊपर भी बड़ा अच्छा कार्य किया हुआ है कि जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत अच्छा है, तो ये जो आज मेलिट्रिशन वाली जो बात आ रही है उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनसे पूछा आप ये खेती पर रिसर्च तो कर रहे हो, आप किसानों से बुआ भी रहे? बोले जी उगवा नहीं रहे। मैंने कहा क्यों? बोले बेचेंगे कहां? मैंने कहा भले आदमी, हम लोग इसी बात के लिए तो बने। हम लोग हर वर्ष सैकड़ों टन सतावर, सैकड़ों टन मुलेठी ये बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। तो ऐसे हम आपको 100 से ज्यादा औषधीय पौधे बता सकते हैं जिनकी लाखों नहीं करोड़ों की वैल्यू हम लोग देते हैं, और अलग अलग औषधियां 5,500 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक, 700 रुपए तक हम लोग खरीदते हैं। तो इसलिए हमको तो अभी कई चीजों में ये दिक्कत आ रही है, हमें बोने वाले नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है इस विषय में एक बार हम जरूर बात करेंगे कि ये करीब 50 से 100 ये औषधियां हैं जिनको किसान बो सकते हैं, और जो बोना चाहें हमारे साथ में वो एडवांस एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो मार्केट की समस्या नहीं रहेगी, आपकी PhD भी बढ़िया हो जाएगी और प्रैक्टिकल बढ़िया हो जाएगा। कुछ जो प्रयोग हमने किए ना आपको बताने चाह रहे हैं जरा। डॉक्टर राजेश हमारा, आपको ये जो आपकी जो समस्या है कि फसलों में कीड़े बहुत आ जाते हैं, तो एक तो मैंने बात बताई थी कि कीड़े कम आएंगे, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कीड़े आते हैं। तो कीड़ों के ऊपर दरअसल मैं 20 सालों से सुनता रहता था, जो लोग ऑर्गेनिक खेती की बात करते थे, नैसर्गिक खेती की बात करते थे, तो जो है इसमें दिक्कत क्या होती थी, 99% लोग जो मंचों पर भाषण देते थे खेती किसी ने नहीं कर रखी थी। केवल उन्हीं लोगों को बात करनी चाहिए और उतनी बात करनी चाहिए
जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यादव साहब ने भी यहां पर बात की, वैज्ञानिक जरूर है वो, लेकिन उन्होंने वही उतनी बात की यहां पर कि जितना उन्होंने जमीन पर देखा। बाकी भाषण तो बहुत बड़े बड़े किए जा सकते हैं। तो कीट रक्षक जो मैं बता रहा था आपको, हम चार तरह का बनाते हैं, तो जरा उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बता दो, क्योंकि ये रोज वही खेत में ही रहता है 10 सालों से। प्रणाम पूज्य महाराज श्री के चरणों में। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो 10 साल से एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, वो किसानों के मध्य करते हैं। खेत में ऐसी बीमारी आती है, कोई भी डिजीज आती है, पहले आसपास के किसान जो कि केमिकल खेती कर रहे हैं उनको बुलाते हैं कि आप आओ देखो इसमें शूट बोरल लगा है, देखो इसमें निमेटोड लगा है, देखो इसमें ब्लास्ट आया है, इसमें मोजेक आया है, वो देख लेते हैं। उनके सामने हम अपने कीट रक्षक तैयार करते हैं, उनके सामने स्प्रे करवाते हैं। 3 दिन बाद जब वो आते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे वाह। तो वो रिजल्ट जो है हम आपके समक्ष, जो आपके प्रश्न है उनको बता रहा हूँ। और ये सारे रिजल्ट हमने इसकी वीडियोग्राफी की हुई है, इसकी फोटोग्राफी की हुई है, एक एक दिन का पूरा हम रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा साइंटिफिक डाटा के साथ बात कर रहे हैं आपसे। पहला जो खरपतवार का एक प्रश्न था ये भाई का कि ऑर्गेनिक में खरपतवार का निदान क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, खरपतवार जैसे आपके बीट्स होते हैं, आप क्रॉप रोटेशन खेत में रखें, आप अगर पहले आपने धान लिया है, ज्यादा पानी वाली क्रॉप ली, कोशिश करिए अगली बार आप दलहन फसलें लें जिनको कि कम पानी की जरूरत है। आपने ज्यादा गहरी जड़ों वाली पहले फसल ली है, जैसे मूली ली है, गाजर ली, कोशिश करिए अगली बार आप जो उथली क्रॉप जिसमें कम रूट डेवलप होता उनको लीजिए। खरपतवार का एक ये निदान है। दूसरा क्या है कि जब आप अपना फील्ड प्रिपरेशन करें, खेत की तैयारी करें, एक बहुत बढ़िया फार्मूला आप सब नोट कर लो, पूरे ऑथेंटिक जो हमने किया है वो विश्वास के साथ आपको दे रहे हैं। 1 एकड़ खेत के लिए आपके लिए 1 किलो आप पहले लेंगे सुहागा, सुहागा होता है ना, 1 किलो फिटकरी, 1 किलो तूतिया, कॉपर सल्फेट जिसे बोलते हैं, ये आपने ले लिए। ये आपके रसायन नहीं है कोई, ये कोई जो है ना केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल जो है ना जब पुराना अपना एंशिएंट ऋषियों का जो पुरातन वो चल रहा उसी के ये खंड है। इनको लेके आप जो गम्भारी होती है पेड़ होता मिलेनिया आर्बोरिया, उसकी आप बुरादा ले लेंगे लकड़ी का। नहीं गम्भारी नहीं हो सब जगह तो, गम्भारी मिलेनिया आर्बोरिया नहीं है तो नीम का ले सकते हैं महाराज जी, शीशम का ले सकते हैं, नीम या वैसे नीम या शीशम की लकड़ी का बुरादा। और हवन भस्म, जब आप हवन करते हैं उसकी भस्म ना मिले तो उपलों की राख सबके पास है, इसको ले लें। और जब आप खेत की तैयारी करें, खेत की जुताई करें, उस समय आप इसको डाल दें, ठीक है ना। तो जो अनवांटेड खरपतवार जो आते हैं, अनवांटेड जो पौधे ग्रो करते हैं, उससे 80-90% आपको निजात मिल जाएगी। दूसरा प्रयोग एक तो ये, दूसरा जो अलग अलग प्रकार के जो कीटों के ऊपर प्रयोग किए, थोड़ा सा संक्षेप में अलग अलग प्रकार के। और ये जो अभी ये जो यहाँ पर सफेद मक्खी वाली बात उठी है उसके लिए भी थोड़ा सा जो हमने प्रयोग किया थोड़ा बता देता। वाइस चांसलर साहब हमारे पास आए थे वहाँ पे पतंजलि योगपीठ, उन्होंने हमारी क्रॉप देखी हुई थी सफेद मक्खी के लिए और उन्होंने काफी अप्रिशिएट भी किया था। सफेद मक्खी जब आती है आपकी क्रॉप पर, आप अपने घरों में देसी गाय का गौमूत्र तो रखते हैं, रखना चाहिए, और आप जो है खट्टी लस्सी रखें। आप लहसुन, नीम, हरी मिर्च, पूज महाराज श्री ने जैसा आपको बताया था अभी फार्मूला, जितनी लहसुन होनी चाहिए उतनी मिर्च ले लो हरी, आप 2 किलो 5 किलो जितना है उसका 3 गुना आपको गौमूत्र लेना है, 3 गुना। और जितना गौमूत्र लेना है उसका आधा आपको छाछ लेनी है, अगर 5 लीटर गौमूत्र लिया है तो 2.5 लीटर आपको खट्टी छाछ लेनी पड़ेगी। और ये केवल 3 स्प्रे करना पड़ेंगे आपको कपास पे या जितनी सफेद मक्खी की प्रॉब्लम जो आती है, 3 स्प्रे 8-8 दिन के अंतराल पे आप करिएगा, पूरा जो है आपको इस सफेद मक्खी से जो है निजात मिल जाएगी। एक सफेद मक्खी के लिए हमारा पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट है अभी एक प्रोडक्ट बनाया अभिमन्यू, आप उसको जैविक है टोटल 100%, आप उसका 50 ml जो है ना 50 लीटर पानी में स्प्रे करके देख लीजिए सफेद मक्खी, 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सारे क्रॉपों पे एक पर्टिकुलर पूरा हम लोगों का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है एक एक क्रॉप पर। महाराज श्री का आदेश है कि आपको टोटल बताना है एक तरीके से संक्षेप में, तो एक जैसे करंजात कीट रक्षक है आपने कितनी मात्रा ली क्या है वो नहीं, आप मैं बता रहा हूँ आपको करंजात में 4 किलो आप करंज के पत्ते लीजिए, करंज आप पिंगमिया पुनाटा सब परिचित हैं, करंज, आड़ू, आपका लेंटाना, आपके एक बिच्छू घास होती है अगर वो ना मिले आपको तो मरसरी को अलग अलग क्रॉप तो वो जो गाय जैसे नहीं खाती जो आप भीड़ समझते हैं, 4 किलो आप वो ले लीजिए और उनको आप 50 लीटर गौमूत्र में जो है रख दीजिए उनको,
और आप जो है ना सुबह शाम उसको हिलाते रहिए, कुछ नहीं करना है। ठीक 15 दिन बाद जब आप उनका स्प्रे करेंगे तो उसमें जो है हींग मिला दीजिए, जो हींग आती है आपकी, तो हींग जो है 50 से 100 ग्राम हींग आप मिला देंगे 50 लीटर पानी में, और 5 लीटर आप ये जो हमने बताया करंजाज इसको मिलाएंगे। आप स्प्रे करना, आपका थ्रिप्स आता है, आपका पायरला आता है, जितने भी आपकी कीट आते हैं उन पर काफी जो है लाभ मिलेगा आपको। आपको तीन चार चीजें जो प्रयोग ज्यादा की जाती है, निम्बानी मैंने अभी बताया था, करंजाजी हमने, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरह से बोलते रहते हैं कि ये पत्ते लो वो पत्ते लो, तो मूल भूमिका ये है कि जिन पेड़ पौधों पर कीड़े नहीं लगते उनके पत्ते लिए जाते हैं, गोमूत्र में उनको 15 दिन तक रख करके फिर ये तैयार हो जाता है, तो इसका रिजल्ट आता है। आपको जो आपके अड़ोस पड़ोस में उपलब्ध होगा उसी को अपनाना पड़ेगा। कुल पत्ते जितने लिए उसे कितना ग्राम गोमूत्र डालते हैं? हाँ जी, 50 लीटर गोमूत्र होना चाहिए, 4 किलो ये पत्ते होने चाहिए। कुल पत्ते कितने होंगे टोटल? 4 किलो पत्ते 40 किलो हो जाएंगे महाराज जी, और 50 लीटर पानी इसमें आप 50 लीटर गोमूत्र, तो 40 किलो के करीब जो भी पत्ते जो कीटनाशक है आपके अड़ोस पड़ोस में मिलते हैं, 50 लीटर गोमूत्र, 50 किलो गोमूत्र डाल दीजिए, 15 दिन चढ़ाइए इसका। अब इसी तरह से जो जैसे खट्टी छाछ है, सब रोगों की एक दवाई नहीं होती है, लेकिन खट्टी छाछ भी अपने आप में औषधि है। जैसे अब ये जो लगते हैं दीमक के लिए महाराज जी खट्टी लस्सी काफी फायदा होती दीमक है दीमक के लिए, और एक जो फंगल डिजीज जो आती है, चिकना चिकना कीड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं तेला जी। अब तेला तेला वाली चीज में आप जो गुड़ वाला जो स्प्रे करना पड़ेगा तो तेला वही चिपक जाता है, मर जाएगा। दूध महाराज जी गुड़ उसका स्प्रे करते हैं, दूध और गुड़ का स्प्रे कर देते हैं। अब हर जगह छाछ में, अब तेला है तो कभी छाछ छिड़क रहे हैं तो उसको दो खुराक मिलेगी, तो उसको तो चिपकाना वाला चाहिए, और गुड़ मिला करके थोड़ा दूध छिड़क दिया उसमें मर जाता। और महाराज श्री जैसे ही करंजाज का आप स्प्रे करेंगे फिर रात छिड़कना अनिवार्य है, रात आप छिड़क देंगे, जैसे ही आप करंजाज का स्प्रे करेंगे तो रात या हवन वन जो होती है उसका स्प्रे आप कर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी जो चीजें, ऐसे तो हमने इसकी पूरी बुकलेट भी बनाई हुई है, हमने अभी पहले तो काफी हमने ट्रेनिंग दी थी क्योंकि इसमें हमने नुकसान बहुत किया शुरू में, जैसे डॉक्टर यादव जी ने भी बोला कि कई चीजों की जब प्रैक्टिस आपको नहीं पता होती है तो कई तरह के आप नुकसान उठाते हैं उसमें, लेकिन हमारे लिए नुकसान कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन अभी हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नॉलेज और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आपको ऑर्गेनिक खेती में नुकसान नहीं है। भाई कुछ पूछ रहे थे काफी देर से। ओम चरण वंदना स्वामी जी, प्रणाम। सभी फसलों का मूल उसके बीज में माना जाता है। खाद हम 15 साल से हर प्रकार की जीवामृत वगैरह बना रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन मूल जो बीज हैं वो हमें ऑर्गेनिक और पुरानी विधियों वाले पुराने जो बीज हैं वो हमें मिले तो हम बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सब किसानों को बीज के विषय में जानकारी दीजिए। ये बात भी भाई ने बहुत जरूरी की है क्योंकि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है फसल का तो बीज से, तो इसलिए मैंने इस बीज वाली बात को थोड़ा सा रखा था कि हमने देसी कुदरती जो बीज होते हैं और उनसे भी आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। ये तो हमारी भ्रांति है ना कि केवल जो आजकल अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक तरीकों से जो बीज तैयार किए जा रहे हैं संकर नस्ल के, उन्हीं से ही हम ज्यादा उपज ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने परंपरागत जो बीज है उनको भी बचाने की जरूरत है। जी स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम भीम सिंह है, खंड मातनेल जिला झज्जर का रहने वाला हूँ। 18 अक्टूबर 2011 से कुदरती खेती कर रहा हूँ और गेहूँ की पैदावार हमने 21 क्विंटल तक ली है और एक ग्रुप बनाया हमने कुदरती खेती किसान समूह, जिस 1 अक्टूबर को प्रमाणीकरण हुआ है और हरियाणा का पहला ग्रुप है हमारा जिसका प्रमाणीकरण हुआ है ऑर्गेनिक के बारे में। बहुत अच्छी बात है, जवानों के लिए उत्साह है, बहुत अच्छी बात है। और हमारी समस्या ये है कि सब्जियों देसी बीज उपलब्ध नहीं हो रहे, तो कोई ऐसा उपाय किया जाए कि सब्जियों के देसी बीज उपलब्ध हों और किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके। बीज के ऊपर वैसे जैसे हमारे हिसार में भी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है तो हमने बीजों के ऊपर काम तो काफी कर लिया, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए जरूर कुछ काम करेंगे। और हमने इसको व्यवसाय के तौर पर नहीं लिया है, बीज वाले काम को एक मिशन के तौर पर लिया है, तो मुझे लगता है कि हम आपको साल भर में इसका कुछ करके उत्तर दे पाएंगे कि कुछ जो हमारे कुदरती बीज है जिनसे वास्तव में पैदावार, जैसे मैंने अभी ये मिर्च की बात की आपके सामने,
या बैंगन की बात की, तो हमें इनके अच्छे बीज मिले। हमें जो हमने अभी आपको मिर्ची दिखाई, करेला दिखाया, बताया करेले के बारे में, लौकी, बैंगन, तोरी, मूंगफली, गेहूं, धान, इनके अच्छे बीज मिले हमें। एक भाई है जो गेहूं के परंपरागत बीजों के ऊपर बहुत वर्षों से काम करते हैं, वो हमें खुद आकर के देके चले गए। तो कुछ बीजों को हमने बढ़ाया, कुछ बीजों को और बढ़ाएंगे तो और भी लोगों को हम उपलब्ध करवा सके, उसका कुछ व्यवस्था कर देंगे। आदरणीय रामदेव जी, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मैंने गेहूं के बीज में गाय का घी मिला के बिजाई करवाई है। गाय का घी मिलाया? गाय का घी से उपचार करके ना, गाय के घी में बीज का संस्कार किया जी, और यही चने में करके देखा है, वो घड़ा नहीं आया, न दीमक लगी, और चने इतने बढ़िया पैदा हुए, सारे चने जमे, दीमक का कोई प्रभाव नहीं था। मैंने फसल में वहन करके देखा है, लगातार एक महीना तक उसमें ये सफेद मक्खी तेला सब भागे वहां से। इस तरह के जो देसी तरीके हैं हमारे राष्ट्र के बहुत पुराने हैं। 20 साल पहले कहाँ सफरे था, उस टाइम पेड़ लगते ही नहीं थे। एक प्रयोग और करके देखा है, उन्होंने गोबर गैस प्लांट का जो खाद है वो किसान का पूरा खेत में लगा के देखा है, उसमें 70 मन पैदावार प्राप्त की किसान ने। वो इसलिए सैलरी वाला वही बता रहे थे। और उसके अंदर पानी यदि 10 दिन फालतू बाद में लगा दो तो भी कोई नुकसान नहीं हुआ, आखिरी समय तक नमी बनी रहती है। मेरा आपसे प्रार्थना है, आज के समय में आपसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है, आप राष्ट्र के मोदी से पूछित हैं। यदि आप गो हत्या बंद करवा दें तो ये सारी गांव में आपको आशीर्वाद देंगी, ऐसा काम करना कष्ट है। ओम शांति। तो मैं अपनी बात को अभी पूरा करता हूँ। ये जो बीजों वाली बात बताई है, तो हमारे पास में जितने भी परंपरागत बीज है, अभी हम कोशिश ये करेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करके 100, 200, 500 क्विंटल जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं इनको बुआएंगे। कुछ इस बारे में हम खोकर साहब की भी मदद लेंगे, यहाँ के साइंटिस्टों की भी। तो देसी बीजों को मल्टीप्लाई करके हम जितने भी अधिकतम लोगों तक हो सकेगा इसको हम उपलब्ध करवा देंगे। एक तो देसी बात वाली बात हुई, और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते रहते हम इस देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगवा देंगे पूरे देश में। ये काम करवा देंगे, आप इसकी चिंता मत करो। काम तरकीब से कराना पड़ता है। जब यूं कहा जाता है कि भाई अपने लोग इनकी सरकार है तो उसमें काम करने का तौर तरीका कुछ और होता है, और जब दूसरे विचार के लोग होते हैं तो उससे काम करने का तौर तरीका कुछ और होता है। मतलब कुछ चीजें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली होती है, लेकिन हो जाएगा काम जरूर। इतना मैं आप लोगों को आज यहाँ इस हरियाणा के और हिसार के पवित्र धरती पर विश्वास दिलाता हूं। ठीक है जी, आप सब ने इतनी तन्मयता से सुना और मुझे लगता है हम इस दिशा में कुछ बड़ा काम आगे करेंगे। आप सबका हमारे हिसार कृषि विश्वविद्यालय के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट है, उन सब का, खोखर साहब का, आदरणीय यादव साहब का, एक बार सबका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।